जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है, महबूबा जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। वही जस्टिस, वही बोर्ड जस्टिस, वही जस्टिस, वही बोर्ड जस्टिस। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे वही है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई, वो सरकार निकम्मी है। मैडम पासवान, मैडम पासवान, मैडम पासवान, प्रवंश हमें हो गए आज पूरे दो महीने सड़क पर बैठे हुए नारे देते हुए, और हमारा जो धरना है ये हक का धरना है, ये हक की लड़ाई है। जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा तब तक ये धरना हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम नहीं बैठने वाले, जब तक हमारा जो पे है वो नहीं बढ़ाएंगे, जो हमारी रिटायरमेंट इन बेवकूफों ने, इन बुजदिलों ने वापस ली। हम चाहते हैं हाँ हमारी वर्कर या हेल्पर रिटायर हो जाए, उसको 3 लाख रुपए हाथ में दे दो और उसको बाज़ाब्ता पेंशन दे दो महीने पर महीना। और हम चाहते हैं हमारी जो मेडिकल लीव है वो भी हमें फौरन से पेश कर दी जाए। अगर हमारा फैसला जल्द अज जल्द नहीं हुआ, तमाम CDPOs ऑफिस, मैंने इससे भी इससे पहले भी बोला है, उनको हम ताला बंद कर देंगे। अभी हमारा जो हड़ताल है ये 2 महीने से चल रहा है, ये ताला बंद हड़ताल है, ये जम्मू कश्मीर में पूरी तौर पर है, तब तक नहीं छोड़ने वाले जब तक हमारा फैसला नहीं हो। अच्छा आप ये बताएं, जिस तरह हिंदुस्तान के दूसरे रियासतों में आंगनवाड़ी वर्कर्स की सैलरी जो है मेरे ख्याल से 10,000 के करीब है जी, तो आपकी सैलरी कितनी है और आप चाहते क्या हो? हमारी सैलरी है स्टेट गवर्नमेंट, ये महबूबा जी है, ये हमें सिर्फ 600 रुपए देती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट हमें 3,000 रुपए देते हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं क्या वो 600 रुपए पे गुजारा कर सकती है, क्या वो 2 अपनी लाडली बेटियों को उस पे पाल सकती है? मैं उसको बोलूंगी मैडम जी मैं आपको 600 रुपए दूंगी, जरा मुझे दिखाओ कि वो अपनी 2 लाडली बेटियों को उस पे कर सकती है, उनको पढ़ा सकती है, उनको आगे ले जा सकती है, क्या वो पहले खुद का पेट भर सकती है 600 रुपए में? ये शर्म की बात है। हम चाहते हैं जिस तरह बाकी स्टेटों में 18,000, 20,000, और हाल ही में केजरीवाल सरकार ने अपनी वर्करों को 10,500 रुपए पे किए, हम भी चाहते हैं कि ये स्टेट भी हमारे पड़ोसी है, हम चाहते हैं जिस तरह उनका भला किया है उसी तरह हमारे भी भला करो। सर हम 2 महीने से है हड़ताल पे हैं, हम अपनी जो हमारा 80 रुपये वो काम मिलता है, खाली 600 रुपया हमारा स्टेट दे रहा है। हमने 2 महीने से हमने हड़ताल शुरू, काम छोड़ हड़ताल शुरू किया है, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगा जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा, जब हमारे पेंशन स्कीम लागू नहीं होगी, जब ग्रेजुएटी हमारी लागू होगी, जब हमारा जो मेरे आंगनवाड़ी वर्कर रिटायर हो रही है उनको कुछ नहीं मिल रहा है, जब हमारे मसले हल नहीं होंगे तब तक हमारा जी। आपका मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा है जो ये पूरा ये मुल्क तो एक है, ये दो ये पूरे मुल्क में जो जो स्टेट है उनमें उनको मिलता है 10,000 किसी जगह मिलता है, 10,000 किसी जगह मिलता है, 20,000 किसी जगह मिलता है, 7,000, लेकिन खाली हमारी जो कश्मीर स्टेट है वो भी इसी मुल्क की। जब ये बोलते हैं ये अटूट अंग है, कश्मीर हमारा अटूट अंग है, तो तब इतना सोतोलीपन क्यों हमारे साथ हो रहा है? तो हमारा को हमारी स्टेट में मिलता है खाली 600 रुपया। इसीलिए जो हमने लड़ाई शुरू की है कि हमारी आरेरी में बढ़ोतरी करो, जो ये पेंशन स्कीम ये लागू करो।